आज की इस पी क्यू सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री 2011 के कुछ एक बेटर और एक डीपर एनालिसिस डेवलप करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दैट दी टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन यानी कि केसेस फाइल हुए वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड ऑनवॉलिस इन सेवनटीन नाइनटी के बाद लिटिगेशन इंक्रीज हो गए थे तो वॉट कुड बी द पॉसिबल रीजन ये इंक्रीज हुए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेकिंग जमींदार्स पोजिशन स्ट्रॉगर विज द राइट सो दैट वॉज नॉट द केस बिकॉज ये पहले से ही था वॉज नथिंग न्यू मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार ये भी पहले से था थर्ड मेकिंग जुडिशल सिस्टम मोर एफिशेंट नहीं ये तो कभी हुआ ही नहीं था कह सकते हैं आंसर इज डी सो इसका एक्चुअल आंसर क्या है कि रिटिगेशन इंक्रीज हुआ क्यों था इसके बेसिक रीजंस थे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था मेन रीजन हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट की फीस अबॉलिश कर दी और जब कोर्ट की फीस अबॉलिश कर दी तो लोगों ने केस करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि होने लग तो वो इंक्रीज हो गया इसके अलावा राइट टू अपील का एक्सटेंशन हुआ था अदर देन दैट यहाँ पे बेसिक uh, चीज़ें और भी थी कि जो इन ह्यूमन पनिशमेंट्स थे सच कटिंग लिम्स नोज यानी कि जो शरिया लॉ था वो हट चुका गया था तो दीज आर द पॉसिबल रीजन जिसके वजह से इंक्रीज लिटिगेशन हुआ था राइट आफ्टर दी सेवनटीन नाइनटी थ्री

कभी भी ट्राइबल रिवॉल्ट हो रहा है ना वो दो तो ही मेजर रीजन से हो रहा है या तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को वर्सन कर दिया जा रहा है या फिर उनके कल्चर के साथ काफ़ी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो थर्ड इज राइज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडल मैन इन ट्राइबल एरिया ये पहले से ही था लास्ट इज द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज यस दिस इज राइट क्योंकि यही एक रीज़न था ट्राइबल कम्युनिटीज में वो वर्क नहीं कर पा रहे थे वो देव टाइप का वर्क एंड उसके चलते वहां यानी कि ट्राइबल अपराइजिंग होना स्टार्ट हुआ हो था इन इंडिया ड्यूरिंग दी नाइनटीन सेंचुरी नेक्स्ट इज विद रिफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया होम चार्जेस होम चार्जेस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फंडस्टिट्यूटेड होम चार्जेस की होम चार्जेस के लिए क्या टाइप का फंड था होम चार्जेस एक फंड बनाया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनमें से कौन सा वो फंड है जो होम चार्जेस में इंक्लूडेड था जो ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन कर रहा था राइट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फंड इंडियन ऑफिस इन लंडन नो टू पे सैलरीज एंड ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया ये थर्ड फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश दिस इज आल्सो राइट एंड अगर हम देखें कि जो भी फंड इंडिया से लेके जा रहे हैं और ब्रिटिश के लिए यानी कि यूके में लेके जा रहे हैं मे बी वो शायद एक ऑफिस सेटअप करना हो उनको या फिर हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों को सैलरीज देना है पेंशन देना है या फिर कहीं और कंट्री में प्रोक्स वॉर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू क्रोनलिज्म अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि दैट ऑल द स्टेटमेंट दैट इज वन टू एंड थ्री आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वॉट वॉज द पर्पज विथ विच सर विलियम And W. S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 18. The possible reason That's The foremost reason we consider is to agitate for Indian political reforms in the House of Commons. Yes, this could be a possible answer. And second, to campaign for the entry of Indians into the imperial judiciary. This was much later. It nineteenth century. twentieth uh, century.

ये उसके काफी बाद आए थे तो so, हैंस उसके बेसिस पे हम कह सकते ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग और वर रेकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट नाउ वेरी डायरेक्ट में क्या टाइप के प्रोविजन दिए गए थे फर्स्ट है कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया दिस इज नॉट उन्होंने स्वराज मांगा था नॉट पूर्ण स्वराज यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया बनेगा बट दैट विल वर्क अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सेकेंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ स्टीट फॉर माइनॉरिटी येस यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं डिमांड करी थी उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरेट की डिमांड थर्ड द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट

फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द्रॉट यस अगर यू यू कैन रिकॉल कि उस समय वहां पे ड्रॉट आया था दिस इज द राइट स्टेटमेंट सेकंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात नो दिस इज नॉट राइट गुजरात के अंदर इस तरीके से सेपरेटली परमानेंट सेटलमेंट नहीं था तो आंसर है ए दैट इज वन डी नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट true about quit india movement now this was quite a controversial question kyunki iske multiple answers aap agar aap jab isko google karoge to iske multiple answers milenge right kahin pe aapko ye dikhaya gaya ki it was a non violent though officially ye non violent tha but slowly and gradually wahan pe violence show hone lag gaya right? और वो violence ना हो इसके लिए महात्मा गांधी ने एक fast रखा था कि वो लोग violence रोके and वो फिर अपना fast तोड़े राइट right, सो so, अभी एक है कि तो इसको एक इनकरेक्ट कंसीडर कंसिडर किया जाता है बट दिस वॉज नॉट ऑफिशियल वो ऑफिशियली वायलेंस नहीं था ऑफिशियली वो नॉन वायलेंट ही था सेकंड इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी अब अगर आप यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की देखोगे उसके अंदर करेक्ट आंसर इज बी ओनली बिकॉज इट वॉज नॉट एक्चुअली महात्मा गांधी इट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी बट इट वॉज लेड बाई सेल अदर लीडर्स अलग अलग टाइप के लीडर्स से अलग अलग रीजन में स्पेशली अ फीमेल लीडर नेम एज ऊषा मेहता वॉज अ फेमस लीडर जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में एजुकेशन स्टार्ट किया था राइट इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नो एंड देन इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लासेस इन जनरल अब कई सारी आंसर की इसमें आपको जो ऑनलाइन uh, आप देखोगे तो और इंस्टीट्यूट का उसके अंदर आपको ऑप्शन डी भी दिखेगा बट अगर हम यूपीएससी की आंसर की फॉलो करते हैं कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट वाई बिकॉज इट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी बट लेड बाय सेवरल अदर ऑफ़ लीडर्स नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी सेट दैट समीपेस्ट कन्विक्शन रिफ्लेक्टेड इन बुक टाइटल बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ वॉट वॉज द मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफॉर्म महात्मा गांधी अगेन हमने ये बुक नहीं पढ़ी है तो हमें obviously इसके बारे में नहीं होगा but that doesn't mean कि हम यहां पे इसको ही नहीं अगर करोड करते हैं तो पहली चीज बोलिए आप अब जब आप स्टेटमेंट पढ़ो तो महात्मा गांधी की लाइफ को रिकॉल करते हुए पढ़ो उन्होंने जो मूवमेंट किया उसको पढ़ते हुए पढ़ो उनका जो नेचर है उसको माइंड में रख के ये स्टेटमेंट्स पढ़ो तो पहला है कि अपलिफ्टिंग दी ऑप्रेस एंड दी पुअर इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी महात्मा गांधी इफ कैन रिकॉल उन्होंने जो भी मूवमेंट किया है फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस राइट सो उन्होंने कोई भी ऑप्रेस यानी कि ऑप्रेस या पुअर ऑप्रेस इन कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज लाइक एस सी एस टीज कभी इन पे वर्क नहीं किया राइट सो दिस स्टेटमेंट कैनोट बी ट्रू then the good of individual is contained in the good of all yes this could be right third the life of celibacy and spiritual pursuit are essential for a noble life nahi भाद्वमा gandhi ne kabhi celibacy ya spiritual pursuit ke bare mein mention nahi kiya so this statement is also incorrect तो so, देखा जाए ये तीनों statement में से तो हमें B काफी हद तक right लग रहा है so based upon that we will be can say that the answer is B

का मैदा हुसैन अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विटिया मूवमेंट ऑप्शन तो यही राइट है दीज आर नॉट द राइट ऑप्शन बिकॉज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नो वाज नो मेंशन ऑफ उषा मेहता लीडिंग अ कंटिजेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी नहीं इसमें भी मेंशन नहीं है असैसिनेशन सॉरी असिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंट्री गवर्नमेंट एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू नो तो नॉट राइट So, uh, that was it from uh, today's uh, PYQ. In the coming PYQ, we will be, disc, uh, will be uh, discussing more such kind of uh, PYQ which in-depth analysis. You will get its PDF in the description mein mil as a link. See you all next time. Till then, stay safe and uh, study well. Thank you.